Hi friends, welcomes you all on MA Igniter. Now in this video, I am going to discuss with you another aspects of arc welding defects. Last के video में मैं आप लोगों के साथ welding defects के reason के ऊपर discuss किया था कि why defects are get into the joints, कि welding joints में defects क्यों आता है, इसके ऊपर मैंने बात किया था और मैं आप लोगों को 4 या 5 points बताया था कि इस points की वजह से इस पॉइंट्स के कारण वेल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स आ सकता है. तो ड्यूरिंग द वेल्डिंग आप लोगों को उस पॉइंट्स को ध्यान देना होगा और उस अगर आप लोग उस सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो वी कैन गेट अ साउंड वेल्ड और डिफेक्ट फ्री वेल्ड्स. सो हम लोगों को वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोग बताया था उसको ध्यान रखना है कि गलती ना हो. जैसे करेक्ट पैरामीटर हमें सेट करना होगा, करेक्ट प्रोसीजर पे हमें वेल्डिंग करना होगा, प्रोसीजर सही यूज़ करना होगा, फिलर मेटल का सिलेक्शन करेक्ट होना चाहिए, हमें क्या करना होगा कि एज प्रिपरेशन जो है वो भी सही करना चाहिए और लास्ट में वेल्डर भी सही होना चाहिए, यानी कि स्किल्ड वेल्डर होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें मैंने बताया था. नाउ इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ वेल्ड डिफेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कितने टाइप के वेल्ड डिफेक्ट्स होता है दोस्तों. हम लोग क्या है दोस्तों कि हम लोग अभी जो निमी बुक है उसको फॉलो करके पढ़ रहे हैं, तो उसी से जितना भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंटेंट निमी बुक से ही लिया जा रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द निमी बुक देयर इज अ 2 types ऑफ वेल्ड डिफेक्ट्स. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल डिफेक्ट्स एंड सेकेंड वन इज इंटरनल डिफेक्ट्स, है ना. यानी कि वेल्ड डिफेक्ट्स को दो हेड में इसको क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट एक्सटर्नल डिफेक्ट्स एंड सेकेंड इंटरनल डिफेक्ट्स. तो अब एक्सटर्नल क्या होता है, जैसा कि एक्सटर्नल से आप लोग पता भी चल गया होगा कि ऐसा डिफेक्ट्स जो वेल्ड बिट के बाहर हो, यानी कि उसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, वी कैन विजुलाइज विथ बाई नेकेड आई, है ना, या फिर बेयर है, खुली आंखों से हम लोग जिसके देख सकते हैं. तो आइए मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्सटर्नल डिफेक्ट्स क्या होता है और इंटरनल डिफेक्ट क्या होता है. तो सबसे पहले एक्सटर्नल डिफेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं. द डिफेक्ट्स विच कैन बी सीन बाई बेयर आईज और विथ अ लेंस ऑन द टॉप ऑफ द वेल्ड बिट और ऑन द बेड बेस मेटल सरफेस और द रूट साइड ऑफ द ज्वाइंट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल डिफेक्ट्स. ये कह रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा डिफेक्ट्स जिसे हम लोग खुली आंखों के द्वारा यानी कि ऐसे ही बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, ऐसा डिफेक्ट्स जो हम लोग बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से खुली आंखों से देख सकते हैं. और वो डिफेक्ट्स कहाँ हो सकता है, सबसे पहले वो तो वेल्ड बिट के ऊपर हो सकता है, है ना, टॉप ऑफ द वेल्ड बिट यानी वेल्ड बिट के ऊपर हो सकता है, या बेस मेटल सरफेस के ऊपर हो सकता है, या फिर रूट साइड में हो सकता है. तो इसको मैं ऐसे आप लोगों को एक डायग्राम के हेल्प से समझा देता हूं. जैसे ये मान लीजिए ये हमारा एक डायग्राम है, तो ये हमारा डायग्राम है ऐसा, ये हमारा वेल्ड बिट है, ये वेल्ड बिट है. तो कह रहा है इसके अंदर हमें ये कहने को मिल रहा है कि ऐसा डिफेक्ट्स जिसे हम लोग क्या टॉप ऑफ द वेल्ड बिट देख सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा वेल्ड बिट है, तो इसके ऊपर अगर कोई वेल्ड बिट इसके ये मान लीजिए वेल्ड बिट है हमारा, तो टॉप ऑफ द वेल्ड बिट होगा ऐसा डिफेक्ट जो टॉप ऑफ द वेल्ड बिट होगा, यानी टॉप ऑफ द वेल्ड बिट होगा तो मान लीजिए कि इसके अंदर वेल्ड बिट के ऊपर मान लीजिए कि पोरोसिटी हो सकता है ऐसे ऐसे, या फिर स्लैग इंक्लूजन हो सकता है ऐसे ऐसे, तो ये टॉप ऑफ द वेल्ड बिट हो गया. दूसरा हो गया या ऑन द बेस मेटल सरफेस, यानी कि या फिर बेस मेटल के सरफेस पे, यानी कि बेस मेटल तो ये हमारा हुआ, ये बेस मेटल हुआ, ये बेस मेटल, यानी कि ऐसे इसके ऊपर भी हो सकता है. तो इसके ऊपर हम लोग स्पैटर्स देख सकते हैं, ये स्पैटर्स. दूसरा, तीसरा चीज क्या कह रहा है,
ऑन द रूट साइड ऑफ द ज्वाइंट्स। तो हम लोगों को पता है कि ये रूट, रूट साइड यानी कि पीछे में है ना, इधर रूट साइड। तो रूट साइड में भी अगर मान लीजिए कि पीछे में भी कोई डिफेक्ट्स है तो वो भी हमें बियर आई से देख सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डिफेक्ट्स। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स इज नथिंग, इसमें बस हम लोग को ये ध्यान देखना है कि ऐसा डिफेक्ट्स जिसे हम लोग बेयर आइज या फिर नेकेड आइज या फिर विद द लेंस हम लोग उसको आसानी से देख सकें, है ना, हमें किसी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना पड़े और उसको हम लोग खुली आंखों से देख करके पहचान ले कि ये वाला ये डिफेक्ट्स है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स है, उसी डिफेक्ट्स को हम लोग एक्सटर्नल डिफेक्ट कहते हैं। अब वो एक्सटर्नल डिफेक्ट्स वेल्डबिट के ऊपर भी हो सकता है, जॉब सरफेस के भी ऊपर हो सकता है और रूट साइड में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो इसे हम लोग एक्सटर्नल डिफेक्ट्स कहते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और एक्सटर्नल डिफेक्ट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स को आगे और क्लासिफाइड किया गया है और इसके अनदर टाइप को भी बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसके अंदर आता है अंडरकट, दूसरा आता है क्रैक्स, फिर ब्लू होल और पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, एज ऑफ प्लेट मेल्टेड ऑफ, एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी या फिर एक्सेसिव रेनफोर्समेंट इसको बोलते हैं, है ना। सेवेंथ है एक्सेसिव कॉन्केविटी, एट्थ है लेक ऑफ पेनिट्रेशन, नाइन्थ है ओवरलैप, टेंथ है मिसमैच और इलेवेंथ है स्पेक्टर्स। यानी कि ये जो 11 टाइप्स के जो डिफेक्ट्स हैं इसको हम लोग कंसिडर करते हैं किसके अंदर, एक्सटर्नल डिफेक्ट्स के अंदर। यानी कि एक्सटर्नल डिफेक्ट्स के अंदर ये सारे के सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं दोस्तों। ये सारे डिफेक्ट्स को सीरियल वाइज मैं बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट के वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सटर्नल डिफेक्ट्स ये इतने हो गए 11, है ना, ये देख सकते हैं आप लोग आराम से, इसका नोट्स बना सकते हैं देखकर। अब आते हैं, अब हम लोग इंटरनल डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इंटरनल डिफेक्ट्स क्या होता है। तो ये रहा इंटरनल डिफेक्ट्स का डेफिनेशन, द डिफेक्ट्स विच आर हिडन इनसाइड द वेल्डबिट। यानी कि ऐसा डिफेक्ट्स जो वेल्डबिट के अंदर छुपा हुआ है, हिडन यानी कि अंदर छुपा होना, है ना, छुप जाना, इनसाइड यानी अंदर, है ना। द डिफेक्ट्स विच आर हिडन इनसाइड द वेल्डबिट, यानी कि ऐसा डिफेक्ट जो वेल्डबिट के अंदर छुपा हुआ है, हिडन यानी कि छुपना, बिट और इनसाइड द बेस मेटल या फिर बेस मेटल के अंदर हो, है ना, बेस मेटल सरफेस के अंदर, एंड विच कैन नॉट बी सीन बाय द बेयर आइज। यानी कि जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट विजुलाइज बाय नेकेड आई, है ना, और लेंस से भी नहीं, इज कॉल्ड इंटरनल डिफेक्ट्स। तो जैसा कि आप लोग एक एग्जांपल से, मैं अगर जनरली डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूं मैं, तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ है, उंगली है, यहाँ पे कट जाए तो डॉक्टर देख के पता चल जाता है, डॉक्टर को देख के ही पता चल जाता है कि इसको मतलब कि क्या करना है, दवा लगाने से ठीक हो जाएगा या फिर इसको हमें किसी और मेथड से ठीक करना पड़ेगा, है ना। या एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरा चीज़ हो गया कि मान लीजिए उंगली में चोट लग गया है और इसमें दर्द हो रहा है ना, तो फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, तो ऊपर से तो कुछ नहीं दिखता है, हम लोग कहते हैं इसमें दर्द है कई दिनों से, तो फिर क्या करता है, उंगली का एक्सरे कराता है और फिर एक्सरे करके अंदर का चीज़ देखता है कि अंदर कहीं हड्डी में हड्डी क्रैक तो नहीं किया है, टूटा तो नहीं है, इस तरह का देखता है। यानी कि जो अंदर का चीज वो देखता है वो इंटरनल डिफेक्ट्स हो गया। ऊपर एक्सटर्नल डिफेक्ट क्या था कि ऊपर कट गया है या फिर किसी तरह का फोड़ा फुंसी है, तो उसको तो देख के पता चल गया, तो उसका वो इलाज कर देगा, लेकिन अंदर का चीज उसको देख के विजुलाइज नहीं कर पाया, तो वो क्या किया, उसको अंदर का पता करने के लिए कि अंदर में क्या चल रहा है, क्यों दर्द हो रहा है इस उंगली में, तो वो क्या करता है कि उसका उसको ले जाके एक्सरे करा देता है। एक्सरे कराने से हम लोग को पता चलता है कि बोन में क्रैक है या फिर टूट गया है या फिर मोच आई है, तो फिर उसके हिसाब से वो दवा करता है। उसी तरह से इंटरनल डिफेक्ट्स यहां भी है कि इंटरनल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जॉब है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जॉब है,
अब मान लीजिए कि ये हमारा वेल्ड बिट है, वेल्ड बिट है ऐसे। अब मान लीजिए कि वेल्ड बिट में अंदर में क्रैक है, अंदर में 10 मिलीमीटर अंदर में, मान लीजिए सरफेस के 10 मिलीमीटर अंदर यहां से यहां पे आया और यहां पे क्रैक है, तो ऊपर ऊपर तो नहीं देखेगा, या फिर अंदर में ब्लो होल है, या फिर अंदर में स्लैग इंक्लूजन है, तो ये क्या हो सकता है कि ये वेल्ड बिट के अंदर हो सकता है या फिर बेस मेटल के सरफेस के अंदर हो सकता है ना। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग इंटरनल डिफेक्ट्स कहते हैं, है ना। सिंपल भाषा में ऐसा डिफेक्ट जो हमें नेकेड आई या फिर बेयर आई से ना दिखे, खुली आंखों से हम लोग देख करके ना समझ पाए, है ना। उसको हम लोगों को देखने के लिए अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि ये इसके अंदर डिफेक्ट्स है दोस्तों। तो इसे हम लोग इंटरनल डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब इंटरनल डिफेक्ट्स को भी आगे क्लासिफाइड किया गया है, तो क्रैक्स, क्रैक्स जो है ये इंटरनल डिफेक्ट्स है, साथ ही साथ ही एक्सटर्नल भी है। अगर ऊपर आ गया तो एक्सटर्नल है, अगर अंदर में है तो इंटरनल है, इनसाइड द जॉब है तो, इनसाइड द वेल्ड बिट है तो इंटरनल हो जाएगा। ब्लो होल और पोरोसिटी, अगर इनसाइड द वेल्ड बिट है तो ये इंटरनल डिफेक्ट्स हो गया, एबव द वेल्ड बिट है तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। स्लैग इंक्लूजन भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है। लेक ऑफ फ्यूजन ये आपका इंटरनल डिफेक्ट्स है, लेक ऑफ रूफ पेंट्रेशन ये इंटरनल डिफेक्ट्स है, और ये इंटरनल स्ट्रेस ये भी एक इंटरनल डिफेक्ट्स है दोस्तों। तो इस तरह से 6 डिफेक्ट्स को कंसीडर किया गया है एज अ इंटरनल डिफेक्ट्स। फर्स्ट है क्रैक, ब्लो होल एंड पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, लेक ऑफ फ्यूजन, लेक ऑफ रूट पेनिट्रेशन और इंटरनल स्ट्रेस। तो ये हमारा हो गया इंटरनल डिफेक्ट्स के आगे के टाइप। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया कि कितने टाइप के, अगर मैं समराइज कर दूं इसको, तो फर्स्ट हमने देखा कि कितने टाइप के वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं। जनरली 2 टाइप के वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स का मैंने डेफिनेशन बताया, टाइप्स बताया, इंटरनल डिफेक्ट्स के मैंने डेफिनेशन बताया और टाइप बताया दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे जितने भी क्रैक्स मैंने बताया, डिफेक्ट्स मैंने बताए हैं, उसको डिटेल में मैं समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर काइंड अटेंशन।